वेलकम बैक। आज हम मिलकर डिस्कस करेंगे पीजेंट्स एंड फार्मर्स की बैक एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन। एक्सप्लेन ब्रीफली द फैक्टर्स व्हिच लेड टू द एनक्लोजर्स इन इंग्लैंड। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हम लोगों को उन रीजंस के बारे में बात करनी है जिनके कारण इंग्लैंड में कॉमन लैंड को एनक्लोज किया गया। जैसा कि हम सब जानते हैं, 16th सेंचुरी में वर्ल्ड मार्केट में वूल के प्राइसेस इंक्रीज हो गए, जिसके कारण रिच फार्मर्स ने डिसाइड किया कि क्यों ना वूल की प्रोडक्शन इंक्रीज की जाए और अपने लिए प्रॉफिट्स बढ़ाए जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए रिच फार्मर्स ने कॉमन लैंड को एनक्लोज किया। इसके अलावा स्टूडेंट्स, 18th और 19th सेंचुरी के बीच इंग्लैंड में पॉपुलेशन बहुत ही तेजी से इंक्रीज हो गई। पॉपुलेशन के बढ़ने के कारण फूड ग्रेन्स की डिमांड भी इंक्रीज हो गई। इस डिमांड को पूरा करने के लिए फार्मर्स ने कल्टीवेशन एक्सपैंड करना शुरू किया, जिसके कारण कॉमन लैंड को एनक्लोज किया गया। जानते हैं स्टूडेंट्स, 18th सेंचुरी के एंड में जब फ्रांस और इंग्लैंड के बीच वॉर शुरू हुआ, तब यूरोप से फूड ग्रेन्स इंपोर्ट करना बहुत ही इम्पॉसिबल हो गया, जिसके कारण इंग्लैंड में फूड ग्रेन के प्राइसेस काफी ज्यादा बढ़ गए। इन प्राइसेस को रेगुलेट करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एनक्लोजर एक्ट पास किए, जिसके मुताबिक एनक्लोजर प्रोसेस को लीगलाइज कर दिया गया। इन सभी रीजंस के कारण फ्रेंड्स, इंग्लैंड में कॉमन लैंड को एनक्लोज किया गया। इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से पॉइंट्स में लिखने के लिए आप सभी इसका रिटन सॉल्यूशन जरूर विजिट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह से एक मजेदार तरीके से अपने हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए पीयू स्टैक ऐप, जहां आपके लिए और भी कई सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि आपके लिए सैम्पल पेपर्स हैं, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, स्टेप वीडियोस एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।